नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक। आज हम बताएंगे, मेरे दोस्त, मेरे सामने एक बाइक है। हमने एक आवाज़ के लिए वीडियो बनाया था, तो इंजन की आवाज़ करती है, तो कैसे उसको पहचाने। मेरे दोस्तों, ये मेरे सामने एक बाइक है और ये बाइक है पल्सर, और इसमें की जब आवाज़ करता है इंजन, तो उसकी आवाज़ किस तरीके होती है और कैसे यानी पहचाने, तो उसके विषय में हम आपको बताएंगे। पल्सर में जब भी पिस्टन आवाज़ करे, या पल्सर में, डिस्कवर में, या और किसी अदर बाइक में, तो उसको आप किस तरीके से पहचान कर सकते हो। तो मेरे सामने एक बाइक है, पहले हम इसको आपको बताएंगे कि स्टार्ट करके हैं, दिखाते हैं कि इस तरीके साउंड है, तो उसको फिर आपको बताते हैं कि इसमें साउंड यही चीज़ का है, इसलिए वो यानी पहले आपको बताते हैं, आवाज़ दिखाते हैं, फिर आपको खोल के दिखाते हैं। तो मेरे दोस्त, ज़रा इसको भैया स्टार्ट करो ज़रा बाइक को। मेरे दोस्त, देखिए साउंड इसमें देखिए कैसा आ रहा है, यानी इसमें जो साउंड आ रहा, नकनकाहट का साउंड आ रहा, ठीक है। तो नकनकाहट का साउंड जो आता है मेरे दोस्त, उसको आपको पहचानना है, समझना है, ठीक। और ये साउंड होता है मेरे दोस्त ज़्यादातर, यानी बहुत सारे भाई लोग समझे कि टाइमिंग चैन की है, गाइड की है, लेकिन जो नकनकाहट का साउंड होता है वो पिस्टन की आवाज़ होती है, ठीक है। और क्रैंक की भी आवाज़ होती है, लेकिन वो नकनकाहट की आवाज़ होती है, समझ मेरे दोस्त। तो क्रैंक भी आवाज़ होती है, तो मेरे दोस्त क्रैंक का इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं जब क्रैंक आवाज़ करता है, लेकिन इस समय इसमें पिस्टन आवाज़ कर रहा, तो पिस्टन का साउंड किस तरीके होता है, तरह हम आपको और करीब से दिखाना चाहेंगे। और मेरे दोस्त उधर साइड से भी दिखा देंगे, तो साउंड मेरे दोस्त इसी तरीके से है। मेरे दोस्त, क्या हुआ कि मेरे मिस्त्री भाई ने एक काम किया, मेरे यानी जूनियर ने, उसने काम करने के बाद दे दिया बाइक, और उसके बाद तो बाइक वालों ने चलाया, और उसके दो चार दस दिन बाद ही यानी आवाज़ ऐसी आने लगे, और फिर उन्होंने चेक कराने के लिए लाए, तो आवाज़ यही थी, और बता करके फिर भी चेक किया, तो कुल मिलाकर के आवाज़ हम आपको जो बताएं वो आवाज़ हो तभी यानी ठीक है। अब मेरे दोस्त, इसको हम खोल करके चेक कराते हैं, ठीक मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, जब भी खोलना होता है सिलेंडर को, तो सबसे पहले ये 8 नंबर वाले बोल्ट खोलना चाहिए, ठीक, ढीले कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये सारे बोल्ट मेन लोड इस पर होता है, अगर ये कर देंगे फिर इस पर लोड आ जाएगा, तो ये फिर दिक्कत करता है, ठीक है। तो सबसे पहले यानी 8 नंबर छोटे बोल्ट खोलना चाहिए, कभी भी खोलना है तो पहले सपोर्ट वाले जो छोटे बोल्ट होते हैं उनको खोलना चाहिए, फिर बीच में। अब इसके लिए जैसे ये ऐसा है, तो इसके लिए लाग करके खोल देते हैं इस तरीके से मेरे दोस्त, यानी ये आराम से खुल जाता है, और जब नहीं खुलता तो उसके लिए आपको एक हथौड़ी इस पर मारना है, फिर आराम से। अरे दोस्त, देखिए अब निकालते हैं आपके सामने, ठीक। अब इसमें देखिए कहाँ से प्रॉब्लम कहाँ से है, देखिए मेरे दोस्त ये प्रॉब्लम है, ठीक। यानी आप समझिए, इधर भी पिस्टन सीज है और इधर भी पिस्टन सीज है, इसलिए हमको पहले से मालूम था कि यानी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि मेरे दोस्त, ये बाइक हमारे पास पहली बार आई है, और यानी इससे पहले हमारे पास कभी नहीं आई अली बाइक, और ये बाइक मेरे पास पहली बार आई है। यानी जैसे जो गाड़ी हम बनाते रहते वो आती है, कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं आती है वो ये गाड़ी है। तो इसलिए अभी आपको हम निकालते हैं इसको, पहले पिस्टन को निकालते हैं। अगर नहीं निकलता है तो इधर कोई चीज़ से राड इधर टेक लगा देते हैं पिन, जैसे कभी कभी जाम हो जाए तभी, लेकिन इसकी जाम नहीं है, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त, देखें इस तरीके से आवाज़ आती है, तो आपको समझना है कि पिस्टन आवाज़ कर रहा है। मेरे दोस्त, देखिए जब भी आपको इंजन खोलते हैं, तो आपको देखिए इस तरीके से इसको चेक करना है, ठीक। ऐसे ये है, इसको ऊपर नीचे ऐसे चेक करना है, ठीक, आगे पीछे ऊपर नीचे, ज़्यादातर ऐसे ऐसे चाल होती है, ठीक। देखिए ये बिल्कुल सही है, ठीक। लेकिन मेरे दोस्त, ये वाला जो है, ये वाला, ये यानी ये कटा हुआ, देखिए हिला ना मेरे दोस्त, तो इसकी ये गाइड कट गई है। इसकी वजह से क्या होगा, इसमें साउंड भी आ जाता है, और इसमें क्या है, वाल सील यानी जो यानी वाल ये स्मोक आने की प्रॉब्लम बनी रहे, ठीक। तो आपको देखिए ये बात, आप इसको बहुत ज़रूरी होता है कि इसको आप गाइड को जब भी चेक करना हो तो इस तरीके से चेक करें, ठीक है। तो वाल गाइड आपकी बिल्कुल, इधर से भी दिखा दिया मेरे दोस्त, और इधर से भी देख लीजिए, ये जो होता है यानी ये डंडी जो होती है इधर हिल रही, ठीक। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है, और इस ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है, ये आपको हम दिखाएं, ये बिल्कुल भी सही है, ठीक है। तो इससे आपको ये ज़रूर ध्यान दें जब भी इंजन खोलते हैं,
और यानी खरादी के पास जाता है, तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान दें कि इस तरीके से आपको चेक करना। अब इसमें एक जो वाल गाइड है वो गड़बड़ है, इसके कारण इसका अगर बनवा दिया जाएगा तो इसका साउंड भी बिल्कुल बढ़िया रहेगा और ये स्मोक भी नहीं करेगा। तो मेरे दोस्त, हमें जो बताना था हमने आपको आवाज़ के विषय में बता दिया। तो जब भी मेरे दोस्त इस तरीके से समस्या आती है तो आपको पहले आपको जो कनकनाहट की साउंड होता है वो पिस्टन का होता है, लेकिन जो नक नक करता है और भारी साउंड होता है वो क्रैंक का होता है। तो इस तरीके से आप माइंड करेंगे, ध्यान करेंगे, तो मेरे दोस्त आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपको आइडिया लग जाएगा। तो जो भी जानकारी बताना चाहे, वीडियो पसंद है उसको लाइक शेयर करें और कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।